नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभात और आप देख रहे हैं स्मार्टफोन लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी है ना, कुछ दिन पहले मुझे है ना एक मोबाइल स्टैंड की ज़रूरत थी। तो मोबाइल स्टैंड की तो ज़रूरत थी, फिर मैंने कई जगह मोबाइल स्टैंड ढूँढे, मतलब इंटरनेट पर कई जगह कई वेबसाइटों पर चेक किए। तो मुझे मोबाइल स्टैंड तो ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे एक मोबाइल स्टैंड ऐसा मिला, वो मोबाइल स्टैंड क्या मतलब, उससे कई तरीके काम हम लोग कर सकते हैं। जी हाँ, फिर वो मैंने मंगाया भी है। फिलहाल तो मैं ये खोल के देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं ये क्या है, किस तरीके का है। ठीक है, और बताना चाहूँगा जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी मोबाइल स्टैंड की जरूरत, जैसे कभी वीडियो देखते थे तो स्टैंड की जरूरत पड़ ही आती है, तो कब तक इस तरीके से पकड़ के देखो। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि एक मोबाइल स्टैंड मंगा लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ ये किस तरीके का। वैसे तो मैं खोल के देख चुका था, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, मोबाइल और उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा ये लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से कैसे होएगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब ये पेन आपको दिख रहा होगा, पेन ही है वैसे तो। देखिए इससे है ना हम लोग कई तरीके काम कर सकते हैं। जी हाँ, जब मैंने ये नेट पे देखा था कि मैंने सोचा कि मुझे मोबाइल स्टैंड तो चाहिए, और इससे मोबाइल स्टैंड के साथ साथ इससे कई तरीके काम हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ इसमें ये आ जाएगी कि देखिए, ये पहले तो इस तरीके से हम लोग पेन की तरह इसका यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके से घुमा के ये चालू कर लीजिए, उसके बाद ये लिखने के काम में आ जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पर बताना चाहूँगा कि ये है ना मोबाइल स्टैंड की तरह किस तरह काम करेगा। ये इस तरीके से देखिए, ये है यहाँ पर, और ये हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। जी हाँ, ये इस तरीके से या इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, या इस तरीके से देखिए, देखिए इस तरीके से हम लोग अक्सर जैसे कि क्या होता है कि वीडियो वीडियो देखते हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, तो इस तरीके से हाथ से पकड़े पकड़े हाथ दर्द करने लगता है, काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो कभी कभी जैसे इसलिए फिर मैंने सोचा कि मोबाइल स्टैंड मंगा लिया जाए। ठीक है, तो मोबाइल स्टैंड की जगह पर मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इससे ये होगा कि हम लोग लिख तो सकते ही हैं। ठीक है, और लिखने के साथ साथ हम लोग ये मोबाइल स्टैंड का काम करेगा, और मोबाइल स्टैंड के साथ साथ जो तीसरा काम ये करेगा, ये आप ग्रिप देख रहे हैं ना, ये रबर, ये आप देख रहे हैं ना ब्लैक, ये वाली देखिए, और इस ये है ना मतलब मोबाइल टच स्टिक की तरह भी काम करेगा। ये देखिए इस तरीके से मोबाइल चलाने के लिए, ये ओके, ये इस तरीके से भी काम कर जाएगा। ओके, मोबाइल चलाने के लिए काम में भी आ जाएगा ये, आप इस तरीके से मोबाइल चला सकते हैं, और जैसे कुछ ओपन करना हो ये इस तरीके से ओपन कर लिया। इससे ये होएगा कि फायदा कि ये आपके मोबाइल को स्क्रैच से भी बचाएगा, तो कई तरीके काम कर सकते हैं। अब ये समझिए, मुझे मोबाइल स्टैंड चाहिए था। ठीक है, और ये देखिए, पहले तो ये मोबाइल स्टैंड इस तरीके से काम कर जाएगा मोबाइल स्टैंड। ठीक है, और दूसरा ये लिखने के काम में भी आ जाएगा पेन की तरह, और तीसरा ये मोबाइल स्टिक की तरह काम करेगा। ठीक है, और महंगा भी नहीं है, सस्ता ही मिल गया मुझे। मैंने सोचा इतना अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि 3 in 1 है ये, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है, और ये मुझे तो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इससे कई तरीके काम कर सकते हैं। क्योंकि वैसे ये होता है कि मतलब आप कहाँ पर मोबाइल स्टैंड लेके घूमेंगे, या कहीं पर भी, जैसे आप कहीं गए और कहीं पर भी हम लोग वीडियो वीडियो देखने ही लगते हैं, तो ये पेन की तरह रख लीजिए और उसके बाद कहीं पर भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो बताना चाहूँगा, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, काफ़ी सस्ता भी है, और काफ़ी अच्छा भी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और तो बस इतना ही, लेकिन बताना चाहूँगा एकदम अच्छा वाला प्रोडक्ट है। अगर आपको इसके और फीचर्स वगैरह देखने हो, इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए कोई एक इस तरीके का पेन लेंगे, ठीक है, वो कितने का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके का आप मोबाइल स्टैंड लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो वो कितने का पड़ेगा, और एक मोबाइल स्टिक लेंगे। ठीक है, अब तीनों के प्राइस जोड़ना कितने का होगा, और इसका प्राइस देखिएगा।
कंपैरिजन कीजिएगा ये कितना सस्ता पड़ेगा और वो तीनों अगर अलग अलग लेंगे तो कितना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं यही बताऊंगा ये बेस्ट रहेगा, इससे हम तीन काम कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पेन की तरह काम करेगा, स्मार्टफोन स्टैंड की तरह काम करेगा, मोबाइल स्टिक की तरह काम करेगा। जी हाँ, इससे तीन काम कर सकते हैं। अगर यही तीनों चीज़ें अगर आप अलग अलग लेंगे तो फिर देखिएगा कितने का पड़ेगा और कैसा क्या लगेगा, ठीक है। और मज़ा भी नहीं आएगा क्योंकि ये होगा कि हम तीनों चीज़ें एक साथ लेके तो नहीं घूम सकते ना, और लेके घूमना भी अच्छा नहीं लगता। और पेन को क्या, पेन तो इस तरीके से रख लो और तीनों काम होते रहेंगे, समझ सकते हैं आप, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, और बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और बताने अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।